नमस्कार, मैं केशराव हूँ, आप लोगों का सुडोको मित्र। तो आज का ये सुडोको पजल जो है आज मैं चुना है आप लोगों को इसको सॉल्व करने का तरीका बताने के लिए। ये भी उसी ईविल टाइप जिसको बोलते हैं, ईविल का मतलब दुष्ट। तो इस सुडोको पजल के बारे में दुष्टता क्या हो सकता है, ना उसमें जान है ना उसमें कोई कुछ कर सकता है, बस उसके जो गुण हैं वो तो हम देख लेते हैं, तो इसकी खूबियाँ वहीं हम देख लेंगे। चलिए वहाँ पर। तो दोस्तों, ये है अपना वो दुष्ट पजल। जैसे मैंने आपको कहा है, इसमें कोई दुष्टता नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक नाम है। चलिए इसको चालू करते हैं। देखिए, इस पजल में एक खासियत ज़्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ आप लोग अपने आप हल कर लेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर एक सुडोको वाल दीवार दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक और सुडोको वाल दिया हुआ है। इसका कुछ फ़ायदा होता है कि देखेंगे। देखिए, ये इस स्ट्रिप को देखिए, यहाँ ये नंबर 3 जो है और ये 8, ये दोनों नंबर यहाँ कहीं इस बॉक्स में दिए नहीं हैं। तो ये 3, तो नंबर 3 यहाँ कहीं मिल एडजस्ट होना है। यहाँ पर यहाँ एक 3 अड़ता है, तो ये इन दोनों जगह में 3 कहीं ना कहीं फिट होना है, ठीक है ना, उसको याद रखते हैं। और इसी तरह नंबर 3 जो है यहाँ तो कहीं रिपीट नहीं हो सकता, तो इन तीनों जगह में कहीं सेटल होना है। तो ये 3 यहाँ पर है, 3 एक यहाँ पर है, 3 एक यहाँ पर है। तो पहला नंबर हमारा विथ गुड लक यहाँ बैठ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर 3 यहाँ भी तो कहीं सेटल होना है, इन दोनों जगह में कहीं, यहाँ एक 3 रहता है, तो इन दोनों जगहों में कहीं नंबर 3 बैठना है, उसको याद रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ और कुछ होता है क्या, ये नंबर 2 देखिए ना, ये नंबर 2 यहाँ कहीं रिपीट नहीं होगा। नंबर 2 या तो यहाँ है या तो यहाँ होना चाहिए। इस हालत में नंबर 2 के इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर 2 यहाँ या यहाँ सेटल होना है, लेकिन कोई क्रॉस चेक नहीं है, तो इसलिए इस वक्त कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। और इस वाल को देखेंगे, इसके बारे में जो यहाँ नंबर 4 यहाँ भी है, 4 वहाँ भी है, तो ठीक है छोड़िए। ये नंबर 3 यहाँ है, नंबर 7 यहाँ है, नंबर 9 सिर्फ एक ही नंबर जो है, अगर इस वाल का फ़ायदा उठाते हैं तो नंबर 9 यहाँ इन तीनों जगहों में कहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स एक या कहाँ अड़ता है, तो इन दोनों जगह कहीं होना चाहिए नंबर 9। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 3 के लिए ये दो जगह मिलते हैं, तो यहाँ भी कुछ क्रॉस चेक नहीं है, छोड़ देते हैं। तो इस पजल में इन दोनों सुडोको वाल का, सुडोको दीवार का फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ आते हैं इस टॉप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। ये नंबर 3 को तो हम निकाल ही लिया, तीसरा 3, बाकी नंबर, ये नंबर 4 दो बार दिखता है, मतलब नंबर 4 के लिए इस बॉक्स में ये दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन नीचे कहीं क्रॉस चेक नहीं है, तो इस वक्त कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक, फिर बाकी नंबर तो एक एक बार दिखते हैं, ये 3 नंबर हो गया, नंबर 1 एक बार है, 4 के बारे में हम बात कर लिया है, 5 नहीं है, 6 एक ही बार है, 7 एक बार है, 8 नहीं है, 9 एक बार है, छोड़िए। तो यहाँ आते हैं, देखिए नंबर 1 एक बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक बार दिखता है, लेकिन देखिए इस बॉक्स देखिए ना, नंबर 3 यहाँ और नंबर 3 यहाँ, तो ये ई एफ एफ 4 जो है नंबर 3 के लिए कायम हो जाता है, देखिए ना। तो नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं, तो नंबर 3 लिखते हैं, इस तरफ देखेंगे तो वहाँ नंबर 1 नंबर 3 है, यहाँ के भी 3 है। तो यदि इस बॉक्स को देखते हैं तो नंबर 3 के लिए
एक पक्की जगह यहाँ मिलता है, देखिए ना। ओके, फिर आगे, वन एक ही बार है, दो एक बार है, तीन हो गया, चार नहीं है, पांच के लिए यहाँ एक पांच है, यहाँ एक पांच है, इस बॉक्स में पांच नंबर पांच के लिए ये तीनों जगह मिलते हैं, ऊपर या नीचे कहीं क्रॉस चेक नहीं है, छोड़िए। नंबर छः एक बार है, नंबर सात एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन तीनों खानों में एक क्रॉस चेक है, लेकिन ये दो जगह नंबर सात के लिए बचते हैं, रहने दीजिए, अब कुछ नहीं करेंगे। आठ एक बार है, नौ एक बार है। अच्छा, तो इसको छोड़ने से पहले ये रो ई को देखिए ना, ये दो ही जगह खाली हैं यहाँ पर, ये कौन से नंबर के लिए, नंबर चार और नौ, चार और नौ लिखेंगे क्या? हाँ, लिख भी सकते हैं, खैर छोड़ देते हैं इस बार। यहाँ आइए, यहाँ तो एक नंबर नहीं है, नंबर रो एक बार है, तीन एक बार है, चार पाँच छः सात आठ नौ सब एक एक बार देखते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। ओके, फिर ये इसके बाद इस लेफ्ट वर्टिकल स्ट्रिप में चलते हैं। देखिए, नंबर वन एक बार है, दो नहीं है, तीन बार हो गया, चार के लिए ये दो जगह मिलते हैं, पांच है नहीं, छः एक ही बार है, नंबर सात के लिए एक जगह मिलता है, देखिए ना, ये सात नंबर एक यहाँ और एक है यहाँ, और ये नंबर सात यहाँ अड़ता है, तो इस बॉक्स नंबर वन में नंबर सात के लिए एक ही जगह बचता है, देखिए ना। फिर आठ नहीं दिखता है, नौ एक ही बार है, ओके, फिर यहाँ आते हैं, नंबर वन नहीं है, दो एक बार है, तीन के लिए ये दो जगह मिलते हैं, यहाँ तीन नंबर लिख के बाद, चार है नहीं, पांच दो बार है, लेकिन पांच यहाँ है, यहाँ नहीं मालूम, छोड़ दीजिए। छः है नहीं, सात एक ही बार है, आठ एक बार है, नौ के लिए ये दो जगह मिलते हैं, एक नौ यहाँ पर है, एक और दूसरा यहाँ पर है, तो नौ नंबर के लिए ये अड़ता है, तो नंबर नौ के लिए दो जगह मिलते हैं, ओके, रह दीजिए। तो यहाँ आते हैं, देखिए, यहाँ पे नंबर वन एक बार है, दो एक बार है, दो के लिए इस बॉक्स में ये दो जगह मिलते हैं, और इधर ये दो नंबर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस बॉक्स में तीन चार जगह मिलते हैं, नंबर दो के लिए तीन जगह मिलते, सॉरी, तो तीन के लिए दो जगह मिलते हैं, चार एक ही बार है, पांच एक बार है, छः एक छः यहाँ और एक और छः यहाँ, तो ये दो जगह मिलते हैं इस बॉक्स में नंबर छः के लिए, छोड़ दीजिए। सात एक बार है, आठ एक बार है, नौ नहीं है, तो अब इसको इस ट्रिप को छोड़ने से पहले हमारा एक तरकीब ट्रिक है, यहाँ पर देखिए ना, ये नंबर 5, 1, 4, 6 ये चारों नंबर यहाँ तो रिपीट नहीं होंगे ना, इस बॉक्स में देखते हैं, तो इन चारों नंबर के लिए चारों नंबर यहाँ कहीं रिपीट नहीं हुए इस बॉक्स में, तो इन चारों नंबर के लिए एक दो तीन चार जगह बचते हैं, देखिए ना, तो ये कैजल ये चारों नंबर यहाँ कैजल बना करके चारों जगह ले करके इन तीनों जगहों को दूसरा नंबर के लिए छोड़ते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखने से पहले देखिए ना, यहाँ चार और पाँच ऊपर दिखते हैं एक ही कॉलम में, और ये भी चार और पाँच यहाँ दिखते हैं ऐसी एक ही रो में, तो इस बॉक्स में देखते हैं, तो चार और पाँच के लिए ये दो जगह बनते हैं, एक जोड़ी बना करके लिख लेते हैं। फिर और क्या रह गया, ये नंबर वन और छः, तो छः नंबर एक यहाँ, छः नंबर एक यहाँ, ये चार और पाँच लिखने के बाद नंबर छः के लिए ये जगह कायम हो जाता है, देखिए ना, और यहाँ नंबर वन हो गया। अब ये तीन जगह कौन से नंबर के लिए, देखिए ना, नंबर तीन चाहिए, सात चाहिए और नौ चाहिए, देखिए तब तीन और नौ एक ही रो में है,
तो अपना 2x3 ट्रिक याद कर लेते हैं तो यह नंबर 7 बैठता है, साफ़ है ना, क्योंकि 3, 7, 9 में ये जोन नंबर यहाँ बैठ नहीं सकते, तो तीसरा नंबर बेशक यहाँ बैठना चाहिए। ओके ना, ठीक है ना। तो ये दो जगह कौन सा नंबर के लिए 3 और 9, इसको भी हम लोग एक जोड़ी बना करके लिख लेते हैं यहाँ पर 3 और 9, 3 और 9 ओके ना। हाँ, फिर इस नंबर 7 को देखिए ना, इसे दो ही दो जगह खाली है इस वक्त, वो कौन से नंबर के लिए, नंबर 2 और 8, यहाँ कहीं क्रॉस चेक 2 और 8 का नहीं है इस रो डी में या रो एफ में, तो इसको भी एक पेयर बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2, 8, 2, 8 ओके ना। अब यहाँ कुछ हो सकता है कि देखिए ना, नंबर वन के लिए ये दो जगह मिलते हैं, नंबर 2 यहाँ पर जोड़ी में है, 3, 4, 4 इस जोड़ी में है, छोड़िए 5 तो है, 6 वहाँ पर है, 7 नंबर 1 वहाँ पर है, 1, 7 यहाँ आता है, 1, 2, 7 यहाँ आता है, तो ये जगह नंबर 7 के लिए कायम हो जाता है, देखिए ना। तो अब ये 3 जगह कौन से नंबर के लिए, बाकी जो इस बॉक्स में 1, 4 और 9 देखिए ना, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ नंबर 1 फिट हो जाएगा, और ये दो जगह 4 और 9 के लिए, ये 9 नंबर यहाँ जो दिखता है ना, नंबर 9 यहाँ लिख लेते हैं, और ये नंबर 4 के लिए, तो यहाँ 4 लिखते हैं, नीचे देखते हैं इस जोड़े को काट सकते हैं ना। देखिए इसको काट के हम 5 को यहाँ कायम करते हैं, फिर यहाँ 4 हो गया। अब ऊपर देखते हैं एक बार, और क्या इस बॉक्स को देखेंगे ना, नंबर 1 है, नंबर 2 के लिए ये दो जगह बनते हैं, नंबर 3 है, 4 है, 5 के लिए ये दो जगह मिलते हैं, 6, 7 है, 8 यहाँ, 8 नंबर 8 के लिए ये दो जगह मिलते हैं, तो एक जोड़ी बना लेंगे ना 5 और 8 के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है। ओके, 5 और 8 ओके। अब यहाँ क्या आता है, क्या होता है देखें ना, यहाँ नंबर 2 और 9 चाहिए, नंबर 9 यहाँ जो मौजूद है तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, तो नंबर 9 के लिए ये जगह मिलता है, और यहाँ नंबर 2, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको तो हम भर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, एक इसको एक बार हमने देख लिया, फिर भी एक बार देखेंगे ना, हो ये नंबर 1 यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स में नंबर 1 यहाँ बैठता है, देखिए ना, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो तीसरा नंबर 1 यहाँ। ओके, फिर ये 3 नंबर कौन से नंबर के लिए, 3 जगह, हाँ, नंबर 9 1 यहाँ अड़ता है, इसको चेक करते हैं, यहाँ पर 1, 9 यहाँ पर है, तो नंबर 9 यहाँ बैठेगा, है ना। अब ये दो जगह कौन से नंबर के लिए, 4 और 6, नंबर 6 यहाँ पर है, तो 6 यहाँ लिख लेते हैं, और 4 यहाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसको देखेंगे क्या, हाँ, इसमें 4 नंबर, उसमें भी 4 नंबर, इसको इसी को देख लेते हैं, ये तो बक्स ख़त्म भर चुके हैं ना, इसलिए देख लेते हैं ऐसे को, नंबर 1 है, नंबर 2 एक ही बार है, इधर क्रॉस चेक नहीं है, ठीक है, 3 है यहाँ पर, नंबर 4, 1, 4 वहाँ, 1, 4 यहाँ, और 1, 4 यहाँ हमने लिखा है थोड़ी देर पहले, तो नंबर 4 के लिए ये जगह मिलते हैं, देखिए ना यहाँ पर। ओके, फिर 5 एक यहाँ, 5 एक यहाँ, यहाँ 5, ये दो जगह मिलते हैं, ऊपर कहीं नीचे क्रॉस चेक नहीं है, छोड़िए, नंबर छः एक यहाँ है, नंबर 6 एक यहाँ दिखता है, मतलब नंबर 6 के लिए ये पक्की जगह मिल जाती है, देखिए ना,
छः हो गया, फिर सात है, आठ। आठ के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कहीं आठ नहीं, इधर भी आठ नहीं है। खैर ओके, अब ये रो एफ में देखिए दो खाली जगह हैं, वो सावधार है टू एंड एट के लिए। इसका एक जोड़ी बना लेते हैं, टू एट हाथों हाथ इसी बॉक्स में तीन जगह जो खाली हैं, ये कौन से नंबर के लिए? तीन जगह, टू फाइव एंड एट, क्लियर। लिख देते हैं उसको भी, यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है, ठीक है। टू फाइव एट, यहाँ भी तीनों नंबर, ओके। फिर ये हो गया, अब इसको देखते हैं एक बार, आइए। नंबर वन एक ही पर, यहाँ एक नंबर, ये तीनों ब्लॉक कर चुके हैं ना, ठीक है। नंबर वन एक यहाँ, नंबर टू के लिए ये तीन जगह मिलते हैं, तीन चार है। पांच के लिए ये दो जगह मिलते हैं, छः सात है, आठ। आठ के लिए तीन जगह, और नौ के लिए ये दो जगह मिलते हैं, देखिए ना, छोड़ दीजिए इसको। फिर इसको देखते हैं, नंबर वन यहाँ एक वहाँ एक, तीन जगह मिलते हैं। नंबर टू, नंबर टू एक ही बार लिख रहा है, ठीक है, तीन चार है, पांच। पांच के लिए इधर उधर कोई खास चेक नहीं है, छोड़िए। छः, छः एक यहाँ, छः एक यहाँ, और छः वहाँ, मतलब इस बॉक्स नंबर वन में छः के लिए ये जगह मिलता, देखिए ना, छः। और सात है, आठ। आठ के लिए कहीं नज़र नहीं आता इन दोनों दिशाओं में। नौ, नौ के लिए भी ये दो जगह मिलते हैं, छोड़िए। एक बार फिर देखते हैं इसको, कुछ हुआ है क्या? ये नंबर लिखने के बाद, नंबर वन यहाँ और नंबर वन यहाँ, ये दो जगह मिलते हैं। नंबर टू एक ही बार है, ठीक है, तीन चार पाँच, नहीं छः सात आठ। आठ के लिए कोई गुंजाइश नज़र नहीं आता, ओके। नौ, नौ एक यहाँ, नौ ये दो जगह मिलते हैं, नौ नंबर के लिए, छोड़िए, ओके। अब एक दो बॉक्स को भी देख लेते हैं ना, तो इसको देखते हैं। नंबर वन एक ही बार है, हाँ ये भी नीचे एक बार है, ये मतलब इस बॉक्स में एक दो तीन जगह मिलते हैं नंबर वन के लिए। नंबर टू के लिए एक, नंबर दो यहाँ एक, नंबर दो यहाँ, ये तीन जगह मिलते हैं नंबर दो के लिए, छोड़ देते हैं, तीन है। चार के लिए यहाँ कायम जगह मिलता है, देखिए ओके जगह। नंबर फोर यहाँ, नंबर फोर यहाँ, और नंबर फोर यहाँ, ये नंबर चार यहाँ लिख लेते हैं, ओके। फिर पाँच, पाँच पाँच जगह कोई क्रॉस चेक नहीं है, ठीक है। छः, छः के लिए ये दो जगह मिलते हैं, रहने दीजिए। सात, सात एक यहाँ, सात एक यहाँ, ये सात यहाँ पर क्रॉस चेक करता है, लेकिन ये दो जगह मिलते हैं नंबर सात के लिए, छोड़ देते हैं। आठ, आठ एक ही आठ दिखता है, रहने दीजिए। नौ तो वहाँ पर है, इसको भी देख लेते हैं। नंबर वन के लिए तीन जगह मिलते हैं, नंबर टू, नंबर टू वहाँ और यहाँ, ये तीन जगह मिलते हैं नंबर टू के लिए। नंबर तीन के लिए ये दो जगह। चार, चार के लिए दो, नो चार के लिए ये जगह मिलता है, देखिए ना, नंबर चार एक वहाँ, एक चार यहाँ, और ये एक चार यहाँ पर, एक और चार यहाँ पर है, तो इस बॉक्स में नंबर चार के लिए ये जगह मिलता है, देखिए। तो फिर पाँच है, छः ये दो जगह मिलते हैं, सात, सात के लिए ये दो जगह, आठ, आठ एक ही आठ दिखता है, छोड़िए, और नौ, नौ तो यहाँ पर है, ओके। अब रोज एंड कॉलम्स देखेंगे, कॉलम से निकलते हैं, कॉलम पहले कॉलम को पकड़ते हैं, क्योंकि इसको इसको भर दिया था हमने, तो इसलिए हाँ इधर से चालू करते हैं।
यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑलरेडी हैं, तो नंबर 4 नंबर चाहिए। वो क्या है, 1, 2, 5, 8 5 यहाँ, 5 यहाँ, वहाँ कहाँ, 5 कहाँ नहीं है। ओके, नंबर 2 देख लिया हमने, नंबर 2 एक वहाँ, नंबर 2 एक यहाँ, तो ये दो जगह मिलते हैं नंबर 2 के लिए। और 8 के लिए यहाँ एक 8 है और कहीं और नहीं, छोड़िए यहाँ 4 ही नंबर दिखते रहने देते हैं, यहाँ 5 नंबर है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चाहिए नंबर 2, 5, 8, 9 9 यहाँ 9 यहाँ, ये तो 2 और 8 के रिजर्व है ना, तो नंबर 9 यहाँ बैठेगा है ना, और ये 3 बाकी जगह 2, 5 और 8 2 वहाँ है, 5 और 8 कहीं नहीं है, छोड़िए। और यहाँ आते हैं, यहाँ भी 5 नंबर चाहिए, 4 नंबर था, सॉरी 5 नंबर है, 4 नंबर चाहिए। कौन से नंबर चाहिए, नंबर 1, 2, 5 और 6। देखिए इस कॉलम को भरने के लिए 1, 2, 5 और 6 चाहिए। ये रो एच में देखिए ना, 1, 5 और 6 एक ही रो में है, तो यहाँ नहीं बैठ सकते ना, तो ये अपना हो गया ब्लू लाइन ट्रिक। तो यहाँ नंबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो और क्या हो सकता है, ये दोनों जगह में, इन दोनों जगह में कौन सा कुछ हो सकता है क्या, नंबर 1, 5 और 6 चाहिए, 1 यहाँ 6 यहाँ और 5 यहाँ, कुछ नहीं कर सकते, छोड़िए। इस कॉलम को देखते हैं, कॉलम और 5 को, यहाँ भी 4 नंबर चाहिए, वो कौन सा नंबर, नंबर 2, 6, 7, 8। ओ फिर 2, 6, 8 यहाँ पर है, तो यहाँ कौन सा नंबर रहना चाहिए, नंबर 7। ये एक दूसरा है ब्लू लाइन ट्रिक अपना। तो अब ये 3 जगह कौन से क्या कर सकते हैं, देखिए ना, यहाँ नंबर 2 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, शाबाश, 2 और 6 एक रो में दिखते हैं ना, यहाँ 2/3 ट्रिक कर सकते हैं, नंबर 8 यहाँ बैठ जाएगा, हाँ शाबाश। यहाँ क्या चाहिए, अभी दो खाली यहाँ पर, तो नंबर 2 और 6 के लिए, यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ भी 6 नंबर रही है। ओके रहने दीजिए, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ भी नंबर 4 ही नंबर चाहिए, वो कौन से नंबर, नंबर 1, 3, 7 और 8। और कोई ब्लू लाइन ट्रिक बैठता है कि देखिए ना, 1, 3, 7, 8 3 और 7 यहाँ, 8 भी यहाँ, 1, 3, 7, 8 में देखिए ना, इस कॉलम को भरने के लिए नंबर 1 चाहिए, 3 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए। इस बी 6 को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 नहीं बैठ सकता, 7 नहीं बैठ सकता, 8 नहीं बैठ सकता, तो यहाँ क्या नंबर लिखना चाहिए, यहाँ पर नंबर 1। ये भी अपने ब्लू लाइन ट्रिक हो गया, देखिए ना। अच्छा फिर और यहाँ इन 3 जगह में कुछ कर सकते हैं क्या, नंबर 3, 7 और 8 चाहिए, ओ 7 और 8 एक ही रो में लिखते हैं, तो फिर अपना 2/3 ट्रिक, ये नंबर 3 लिखा जाएगा यहाँ पर, नंबर 3 लिखा, लिखने लिखते ही इसको काट सकते हैं और नंबर 9 को यहाँ कायम करेंगे, फिर ये नंबर 3 हो गया। ओके फिर इस बॉक्स में 3 जगह कुछ कर सकते हैं क्या, लेकिन हाँ नंबर 1 चाहिए, एक नंबर 1 यहाँ पर है, एक और यहाँ पर है, तो नंबर 1 यहाँ लिखा जाएगा। फिर ये 2 जगह कौन से नंबर के लिए, नंबर 6 और 8, ये 6 नंबर यहाँ ऊपर दिख रहे हैं ना,
तो यहाँ भी एक छः नंबर है, यहाँ छः नंबर कहीं किसी भी हालत में नहीं बैठ सकता। तो इस बॉक्स में नंबर छः के लिए ये जगह बनता है, देखिए ना, और ये नंबर आठ के लिए एक पक्का। ओके, लिख लेते हैं, हो गया हो गया। अब ये रो एच में एक ही जगह खाली है, और देखिए ना, ये कौन से नंबर के लिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ है, सिर्फ नंबर 9 ही नहीं है। उसको यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, हाथों हाथ इसी बॉक्स को देख लेते हैं ना, ये रो जी में दो ही खाली जगह हैं, वो कौन से नंबर के, नंबर 1 और 5। यहाँ देखिए नंबर 1 भी नहीं है ऊपर, नंबर 5 भी नहीं है। ओके, लिखेंगे क्या, रहने दीजिए, इसको देखते हैं, इस रो जे को यहाँ चाहिए नंबर 2 और 8। देखिए यहाँ भी नंबर 2 और 8 नहीं है ऊपर, छोड़ देते हैं। तो ऐसे इस रो को देखेंगे ना, इसमें दो ही खाली है रो ए में, क्या कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ चाहिए नंबर 1 और 5। ये नंबर 1 यहाँ दिखता है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, और यहाँ नंबर 1। अब ये दो जगह बक्स भर भर में कुछ कर सकते हैं क्या? नंबर 2 और 8 चाहिए अपने को, 2 और 8 में नीचे कहीं 8 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, छोड़िए। ओके, अब इस बॉक्स को फिर देखते हैं, या इस कॉलम को देखेंगे ना, दो ही जगह खाली है, या एक जगह खाली है, यह भी एक जगह खाली, वाह, इससे अच्छा वो कवर कैसे है। पहले इसको खाली करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ चाहिए नंबर 7, लिख लेते हैं नंबर 7 यहाँ। यहाँ क्या चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 चाहिए यहाँ पर, देखिए ना इस कॉलम में नंबर 2 यहाँ लिख लिया। और ये दो जगह अब कौन से नंबर के लिए, नंबर 6 और 5। नंबर 6 यहाँ जो मौजूद है, नंबर 6 को यहाँ लिख लेते हैं, और 5 यहाँ, ये हो गया ना, 5 यहाँ लिखते ही इधर देखते हैं तो क्या होगा, ये जोड़ी कट जाता है। यहाँ पर नंबर 8 कायम कर सकते हैं, और यहाँ पर नंबर 5। तो फिर इस बॉक्स को आएंगे तो देखिए ना, यहाँ दो जगह एक ही जगह है, इस रोड सी में यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, नंबर 8, शाबाश, लिख लेते हैं नंबर 8। और यहाँ सब्जारे नंबर 2 चाहिए, उसको भी लिख लेते हैं, भर लेते हैं। ओके, तो अब क्या रह गया, इस बॉक्स को फिर देखना चाहिए अपने लोगों को, इसको। ओके, नंबर 1 वहाँ, नंबर 1 यहाँ, तो नंबर 1 यहाँ, नंबर 1 यहाँ, और ये रो जी में आखिरी जगह वो कौन से नंबर के लिए, नंबर 5, हाँ लिख लेते हैं नंबर 5। और ये दो जगह कौन से नंबर के लिए, देख लेते ना, यहाँ चाहिए नंबर 2 और 8, दो नंबर ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ ये दो नंबर को, नंबर 2 को यहाँ लिखते हैं, नंबर 8 यहाँ कायम करते हैं। तो और क्या रह गया, ये 4-5 जगह रह गए। तो अब इस कॉलम को देखिए ना, इन तीनों कॉलमों में एक 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 जगह ही खाली है इस वक्त। तो नंबर 2 एक यहाँ है, नंबर 5 एक यहाँ है, तो नंबर 8 यहाँ बैठेगा। तो इस त्रिकोणी को काट के 8 कर देते हैं, फिर यहाँ नंबर 5 लिख लेते हैं, वही आखिरी नंबर इस कॉलम के लिए, नंबर 5 यहाँ, और यहाँ 2 साबजार है ना, नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं। तो तुरंत ये जोड़ी भी कट जाता है, और ये भी कट जाता है, नंबर 2 यहाँ कायम हो जाता है, ठीक है ना, ओ बदल ख़त्म। देखा दोस्तों, ये भी जैसे मैंने कहा इविल, मतलब मुश्किल पजल थी ये भी, लेकिन हमारे जो तरकीबें हैं, जैसे ये कैजल, और यहाँ पर 2-3 जगह ब्लू लाइन ट्रिक, और 2-3 जगह
टू बाई थ्री ट्रिक हम लोगों ने अपनाया है, तो इन इन तरकीबों की वजह से बड़े आसानी से इस पहल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यदि आप लोग पहले इसको ट्राई किया होता तो आपका तरीका और मेरे तरीके में अंतर आप पहचान लिया होगा और बहुत खुश हो गए होंगे कि दो तरीके आपको मिल गए, ठीक है ना। तो आज शाम के लिए इतना काफ़ी है, और आप सभी लोगों को भगवान की आशीर्वाद।